जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड में स्थित नैनीताल डेस्टिनेशन की बात करने जा रहे हैं कि हमको नैनीताल यात्रा कैसे करना है। अगर आप नैनीताल यात्रा का योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि नैनीताल हमको कैसे पहुंचना है, नैनीताल में हमको रुकने की क्या व्यवस्था है, नैनीताल में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, नैनीताल में सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा होगा हमको विजिट करने के लिए, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नैनीताल में हमको कहाँ कहाँ घूमना है और ये घूमने का हमारा साधन क्या होगा, हम स्कूटी लेकर घूमें या फिर हम टैक्सी के द्वारा घूमें, और अंत में ये भी जानेंगे कि नैनीताल में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, जिससे आपको नैनीताल यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका बजट भी कम आए। सबसे पहली बात करते हैं कि हम नैनीताल कैसे पहुंचे। दोस्तों नैनीताल पहुंचने के लिए आपके पास तीन मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आपका ऑप्शन बाई ट्रेन है तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम, जो कि नैनीताल से 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अब ये 35 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है नैनीताल पहुंचने के लिए। पहला ऑप्शन तो ये कि आप आ सकते हैं शेयरिंग टैक्सी के द्वारा, जो कि आपका 120 रुपए पर व्यक्ति लेगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देगा। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बस से, जो कि सबसे सस्ता है। बस वाला दोस्तों आपका 70 रुपए एक व्यक्ति का लेगा और आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल ड्रॉप कर देगा। और यदि आपकी फैमिली बड़ी है तो आप टैक्सी हायर करके भी नैनीताल पहुंच सकते हैं, जो कि 400 से 500 रुपए लेगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देगा फुल टैक्सी बुक करके। तो दोस्तों ये था आपका बाई ट्रेन का ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई बस। दोस्तों आपको दिल्ली से डायरेक्ट नैनीताल के लिए बस मिल जाएगी, चाहे आप वॉल्वो बस में आइए, एसी बस में आइए, चाहे आप गवर्नमेंट की बस में आइए। गवर्नमेंट की बस सबसे सस्ती होती है, जो कि 480 रुपए एक व्यक्ति का टिकट रहता है और आप दिल्ली से नैनीताल तक पहुंच सकते हैं। नैनीताल आने के लिए आपको वेरियस सिटी से अलग अलग बसेस आपको मिल जाएंगी, तो आप अगर बस ऑप्शन लेते हैं तो आप बस से नैनीताल पहुंच सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका पंतनगर एयरपोर्ट, और इस पंतनगर एयरपोर्ट पे आपको ज्यादा फ्लाइट अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन दिल्ली से पंतनगर अगर फ्लाइट लेते हैं तो आसानी से आप हवाई मार्ग के तहत पहुंच सकते हैं, अन्यथा चाहे तो आप दिल्ली आकर बस के द्वारा भी अपने सफर तय कर सकते हैं। और दोस्तों जो पंतनगर से जो आपकी नैनीताल की दूरी है ये 70 किलोमीटर की है, और यह 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तो आप शेयरिंग टैक्सी में आ जाइए। शेयरिंग टैक्सी में अगर आप आते हैं तो आप 200 रुपए पर व्यक्ति लिया जाएगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देंगे। चलिए दोस्तों हम नैनीताल अब पहुंच चुके हैं, और हम बात करते हैं कि हमको नैनीताल में अब रुकना कहाँ है, कहाँ पे हमको स्टे करना चाहिए। दोस्तों नैनीताल में आपके पास दो ऑप्शन है जहाँ आप अपने होटल ले सकते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका नैनी लेक के पास, यानी कि नैना देवी जहाँ मंदिर है वहीं आसपास आपको ढेर सारे होटल कॉटेज देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां होटल ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास मॉल रोड का। दोस्तों मॉल रोड की जो दूरी है वो आपकी नैनी लेक से वहां से आधे किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, तो चाहे तो आप मॉल रोड के आसपास ले सकते हैं या चाहे तो आप नैनी लेक के आसपास अपने होटल ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए से होटल देखने को मिल जाएंगे, और ये रेट आपका 10,000 तक के भी जाता है। जैसा आप होटल लेंगे उस हिसाब से ये कॉस्ट पड़ता है, लेकिन मिनिमम आपको 1000 रुपए से होटल स्टार्ट हो जाएगा 24 घंटे के लिए। दोस्तों इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है नैनीताल में। दोस्तों नैनीताल में आपको ज्यादा खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आराम से वहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड अवेलेबल हो जाएंगे, रेस्टोरेंट अवेलेबल हो जाएंगे, और आपको वहाँ पे ढाबे भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप जहाँ भी जाकर अपना भोजन लेना चाहते हैं वहाँ ले सकते हैं। कॉस्ट भी आपको नॉमिनल कॉस्ट पड़ेगा, 100 रुपए के आसपास आप भरपेट खाना खा लेंगे, या फिर चाहे तो आप अपने होटल में ही ब्रेकफास्ट डिनर या लंच की फैसिलिटी करवा सकते हैं, उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमना है और क्या क्या चीज हमको देखना अति आवश्यक है। अब इसको जानने से पहले एक चीज ये जान लेते हैं कि हमको नैनीताल में स्टे कितने दिन का बनाना चाहिए। दोस्तों नैनीताल आपको घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त है, 2 दिन में आप आराम से पूरे नैनीताल को घूम लेंगे। लेकिन अगर आप नैनीताल से आप रानीखेत जाना चाहते हैं, जो कि आपका 55 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो उसके लिए आपको फिर 2 दिन और ऐड करना पड़ेगा रानीखेत घूमने के लिए। लेकिन मैं रानीखेत की इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, क्योंकि रानीखेत की वीडियो मैं सेपरेट ला दूंगा। इस वीडियो में केवल हम नैनीताल यात्रा की बात कर रहे हैं, तो नैनीताल घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त है, आप 2 दिन में घूम सकते हैं। और ये बात करते हैं कि नैनीताल को आना कब चाहिए। नैनीताल में हमेशा आपको रश देखने को मिलेगा, टूरिस्ट वहां हमेशा जाते ही रहते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा समय है वो है आपका दिसंबर से जनवरी वाला। इसका कारण यह है कि दिसंबर से जनवरी आपको थोड़ा भीड़ तो देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप नैनीताल जाते हैं तो आप वहाँ स्नो का भी आनंद उठा पाएंगे। वही अगर आप मई जून के आसपास जाते हैं तो शायद आपको स्नो देखने नैनीताल में ना मिले। इसीलिए जो बेस्ट समय है वो है नवंबर से दिसंबर का, लेकिन जो पीक समय होता है वो होता है समर वेकेशन का, क्योंकि समर वेकेशन में काफी लोग नैनीताल यात्रा करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। डे नंबर 1 और डे नंबर 2 दोनों आइटनरी में पॉइंट वाइज बताता हूँ।
सबसे पहले आपको आना है नैना देवी मंदिर, जो कि आपका नैनी लेक के सामने ही बना हुआ है। तो वहाँ आप नैना देवी दर्शन करिए, काफी सुंदर मंदिर है। आधे घंटे में आप आराम से दर्शन कर लेंगे, पूरा मंदिर कैंपस घूम लेंगे। तो आप नैना देवी जी के दर्शन करिए, और वहीं पे पास में 200 मीटर की दूरी पे एक बना हुआ है सिंह सभा गुरुद्वारा। तो आप अगर गुरुद्वारा जाना चाहते हैं तो सिंह सभा गुरुद्वारा में भी जाके आप अपने मत्थे टेक सकते हैं। अब ये चीज दर्शन करने के बाद हमको अब आना है नैनी लेक के पास, जहाँ पे आपको बोटिंग करनी है। दोस्तों यहाँ पे नैनी लेक में बोटिंग करने की बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार इस लेक में आप बोटिंग जरूर करिएगा, क्योंकि काफी बड़ा लेक है और आप पूरी इसमें अगर बोटिंग करेंगे तो आपको काफी ज्यादा शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। दोनों साइड पर्वत और आप एक बोट में होंगे, अलग ही अनुभव आपको मिलने वाला है। अगर यहाँ पे मैं बोटिंग के कॉस्ट की बात करूं तो 180 रुपए लिया जाता है 2 पर्सन का। अगर आप कपल्स हैं तो आप 180 वाला बोट लेके नैनीताल लेक का पूरा आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 लोग हैं तो फिर आप ले लीजिए 210 वाली टिकट, जिसमें आप 4 लोग आराम से बैठ के पूरे नैनीताल झील का एक शानदार अनुभव ले सकते हैं। चलो दोस्तों, नैनीताल लेक घूमने के बाद, बोटिंग करने के बाद हमको आगे बढ़ना है केव गार्डन, जिसको इको केव गार्डन भी कहा जाता है। इको गार्डन केव में दोस्तों आपको एक प्राचीन गुफाएं देखने को मिलेंगी, जो कि काफी सक्रिय गुफा है। और इस इको केव गार्डन में आपको टोटल 6 गुफा देखने को मिलेगी, जिसमें आप हर गुफा में तो प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सकरा होने के कारण आप शायद उसमें प्रवेश ना कर पाए। अगर आप पतले हैं तो फिर आसानी से आप गुफा के अंदर प्रवेश करके बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से खाते पीते घर के हैं तो आप गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि गुफा काफी ज्यादा सक्रिय होती है। तो दोस्तों आप केव गार्डन जाइए, 1 से 1.5 घंटे लगेंगे केव गार्डन घूमने के लिए, और वहां से आप प्रस्थान करिए अगले स्थान की तरफ, वो है आपका मॉल रोड। दोस्तों मॉल रोड आप चाहे तो इवनिंग के समय भी घूम सकते हैं। मॉल रोड में आप शॉपिंग कर सकते हैं, वहां अगर स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं तो स्ट्रीट फूड का आनंद लीजिए, क्योंकि इवनिंग के समय पे थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चलती रहेगी। तो आप एक बार मॉल रोड में स्ट्रीट फूड में जरूर कुछ ना कुछ सेवन करिए, और साथ ही साथ आप चाहे तो वहां शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए आपको ढेर सारी फैसिलिटी वहां मिल जाएगी, अगर आप शॉपिंग में इंटरेस्ट है तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। डे नंबर 1 आपका यहां पे कंप्लीट होता है और हम उस दिन रेस्ट करते हैं, और डे नंबर 2 में अर्ली मॉर्निंग उठकर हम प्रस्थान करते हैं सबसे पहले नैनीताल जू के लिए। दोस्तों यहां पे आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीज हम घूमेंगे कैसे, कैसे हमको ये सारी चीजें विजिट करनी है, तो आगे मैं भी ट्रांसपोर्टेशन की आपकी बात करूंगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आना है नैनीताल जू, जो कि 100 रुपए यहाँ का एंट्री फीस लिया जाता है। यहाँ पे आपको एक गार्डन मिलेगा, यहाँ पे आपको ढेर सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो आप इस जू में एक बार विजिट करिए, कुछ समय यहाँ व्यतीत करने के बाद, घूमने के बाद अगले स्थान की तरफ प्रस्थान करिए, जो कि है आपका स्नो व्यू पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको ढेर सारी एक्टिविटीज करने को मिल जाएगी। अगर आप एडवेंचरस लवर हैं और आप कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों आप रोप वे के द्वारा भी स्नो व्यू पॉइंट का आप दृश्य देख सकते हैं। रोप वे की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों, तो 300 रुपए एक व्यक्ति का रहता है राउंड ट्रिप का, यानी कि जाने का और आने का 300 रुपए एक व्यक्ति का चार्ज लिया जाता है। तो आप रोप वे के द्वारा भी पूरे नैनीताल का वहां से व्यू और स्नो पॉइंट का व्यू देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ढेर सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, जिसका कॉस्ट अलग अलग रहता है, जैसे कि डैशिंग कार आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टॉय प्लेन का आनंद उठाना चाहते हैं तो टॉय प्लेन भी घूम सकते हैं। गो कार्टिंग करना चाहते हैं तो गो कार्टिंग भी कर सकते हैं, और अगर टॉय ट्रेन में बैठकर घूमना चाहते हैं तो टॉय ट्रेन का भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप इस सब चीज में घूमना चाहते हैं, ये सारी चीज एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो आपके लिए स्नो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट जगह है, जहां आपको विजिट करना ही करना है। दोस्तों स्नो पॉइंट घूमने के बाद हमको अगले स्थान पे बढ़ना है, वो है आपका हिमालयन बोटैनिकल गार्डन। दोस्तों यहाँ पे आपको एक म्यूजियम मिलेगा, जहाँ पे आपको काफी वर्ष पुराने यहाँ कुछ वस्तुएं, कुछ इमेजेस, कुछ आर्ट्स, ये सारी चीजों का यहाँ पे कलेक्शन है इस संग्रहालय में। तो एक बार आप इस म्यूजियम में जाइएगा। 50 रुपए दोस्तों यहाँ पे एंट्री फीस होता है इस बोटैनिकल गार्डन का विजिट करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आप पीक में जाके आपको एक मिलेगा व्यू पॉइंट, जो कि आपको पूरे नैनीताल का एक काफी शानदार नजारा देखने को मिलेगा। तो इस व्यू पॉइंट से भी आप अपनी फोटो शूट करवा सकते हैं, अगर कुछ वीडियोग्राफी कराना चाहते हैं तो वीडियोग्राफी भी करवा सकते हैं इस बोटैनिकल गार्डन के व्यू पॉइंट पर जाके। चलिए दोस्तों ये था दोस्तों आपके आसपास के, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर के दायरे पे ये सारी जगह आपको देखने को मिल जाएंगी नैनीताल से। अगर आप थोड़ा सा और दूर विजिट करना चाहते हैं तो भी आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं, जिसमें से आपका आता है सबसे पहले भीमताल। दोस्तों यहाँ पे भी आपको एक लेक मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे भी बोटिंग वोटिंग कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भीमताल भी जा सकते हैं, जो कि नैनीताल से 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। कैंची धाम अगर आप जाना चाहते हैं दोस्तों तो कैंची धाम भी जा सकते हैं। घंटे वाला टेम्पल जो कि बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है, तो अगर आप घंटे वाला टेम्पल जाना चाहते हैं तो वहां भी जाके वहां भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ खुरपा ताल है तो खुरपा ताल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों डे नंबर 2 पे इस सारे जगह पे आप जाकर घूम सकते हैं। और अब बात करते हैं कि हमको ये घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आप टैक्सी लेके, यानी कि ऑटो टैक्सी लेकर इस सारे जगह को घूम सकते हैं। टैक्सी वाले लोग 800 रुपए 1000 रुपए लेंगे और बोलेंगे हम आपको ये सारी साइट सीनिंग करा के आपको वापस नैनीताल पे ड्रॉप कर देंगे। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ऑटो या टैक्सी के द्वारा जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है, जो कि सस्ता भी पड़ेगा मेरे ख्याल से, वो है आपका स्कूटी या फिर आप बाइक हायर कर लीजिए। दोस्तों डे नंबर 1 पे तो आपको स्कूटी हायर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप डे नंबर 2 पे हायर कर लीजिए, क्योंकि आपको स्नो पॉइंट जाना है, भीमताल जाना है, कैंची धाम जाना है, खुरपा ताल जाना है, बोटैनिकल गार्डन जाना है। ये सारी जगह को घूमने के लिए आपके पास व्हीकल
व्हीकल होना जरूरी है। डे नंबर वन पे इसलिए आपको व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नैनीताल के आसपास ही जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। तो डे वन पे तो आपको गाड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डे नंबर टू पे आपको 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो इसके लिए आप वहां से गाड़ी हायर कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे गाड़ी का कॉस्ट और गाड़ी हमको कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मॉल रोड के आसपास ढेर सारे लाइन से एजेंट आपको मिल जाएंगे, वहां से आप गाड़ी हायर कर सकते हैं। अगर आप स्कूटी में इंटरेस्ट है तो स्कूटी ले लीजिए, अदरवाइज अगर आप चाहें तो बाइक भी ले सकते हैं, या नहीं तो आप चाहें तो नैना देवी जो मंदिर था मंदिर के पीछे भी आपको ढेर सारे यहाँ पे शॉप्स मिलेंगे एजेंट के, तो वहां से भी आप अपनी गाड़ी उठा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों तो आपका 700 रुपए एक दिन का गाड़ी पड़ता है अगर आप स्कूटी लेते हैं यानी कि एक्टिवा जुपिटर लेते हैं। वही अगर आप बाइक लेते हैं तो आपको 900 रुपए, 1000 रुपए पे करना पड़ जाएगा 24 घंटे का। तो आप अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी का फोटो एक बार जरूर लेकर एजेंट को भेज दीजिएगा ताकि किसी भी तरीके की कोई लौटाते समय आशंकाएं धोखाधड़ी ना हो। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है, साथ ही साथ एजेंट आपसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगा और आपका एक आधार कार्ड लेगा। तो ये आप 2-3 आइडेंटिटी अपनी जरूर पकड़ी रहिए ताकि आपको गाड़ी लेने में किसी भी तरीके कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमको नैनीताल यात्रा का कुल खर्चा कितना लग जाएगा इस 2 दिन के यात्रा का। दोस्तों अगर आप 1000 रुपए के होटल में रुकते हैं और आप खाने पीने का भी एक मॉडरेट ऑप्शन चुनते हैं और अगर आप स्कूटी लेकर घूमते हैं तो डेफिनेटली आपका 4-5 हजार रुपए में एक व्यक्ति का आराम से नैनीताल यात्रा निपट जाएगा। और वही अगर आप कपल्स हैं तो मान के चलिए कि मैक्सिमम 10 हजार में आप आराम से नैनीताल यात्रा अपनी कर लेंगे। दोस्तों कुछ टूरिस्ट डे नंबर 3 पे रानीखेत की यात्रा के लिए निकल जाते हैं, जो भी स्कूटी हायर किए रहते हैं उसी स्कूटी से 2 दिन की यात्रा पर निकल जाते हैं रानीखेत के लिए। तो रानीखेत के लिए मैंने बताया कि सेपरेट वीडियो आपके लिए ला दूंगा, इस वीडियो में हम नैनीताल यात्रा की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके मेरे जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली वहां पे आपको मैं रिस्पांस दूंगा, भले देर से लेकिन मिलेगा जरूर। और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाएं इससे पहले मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, आपकी यात्रा मंगलमय हो।